हर वर्ष 8 मार्च का दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन महिलाओं की उपलब्धियों को सलाम करने का दिन है। इस दिन को महिलाओं की आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक तमाम उपलब्धियों के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। साथ ही उन्हें ये एहसास कराया जाता है कि वो हमारे लिए कितनी खास हैं। महिला दिवस के दिन जगह जगह अनेक संगोष्ठियां, सेमिनार आदि कार्यक्रम आयोजित होते हैं। बताते चलें कि सन 1910 में क्लारा जेटकिन नाम की एक महिला ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बुनियाद रखी थी। वहीं आज ईश्वर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अस्पताल परिसर में जिले की दो महिला पत्रकार रिमझिम और तबस्सुम को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया, साथ ही उनके योगदान की सराहना की। पत्रकारिता जगत में महिलाओं की संख्या पहले कम थी और धीरे धीरे अब उनका संख्या बल बढ़ते जा रहा है, तो इनको सम्मानित करना इसलिए भी जरूरी है कि दिन हो, रात हो, गांव हो, शहर हो, खेत खलिहान, हर जगह इनको जाना पड़ता है पुरुषों की तरह समाचार संकलन के लिए। ये काफ़ी चुनौती भरा कार्य है जिसमें जान का जोखिम भी रहता है, लेकिन इस सब जोखिम को भी उठाकर ये लोग आगे बढ़ रही हैं, तो इनको प्रोत्साहित करना जरूरी है, क्योंकि इनकी पहुंच जो है सो समाज के सबसे निचले पायदान तक है। बहुत सारी हमारी अनपढ़ महिलाएं हैं जो पुरुष पत्रकारों से उतना नहीं अपने सुख दुख को साझा कर पाती हैं, जो इनसे साझा करती हैं, तो इनकी पकड़ और पहुंच समाज में ज़्यादा गहराई तक है, इसलिए इनको प्रोत्साहित करना और जरूरी है। दिन महिलाओं का ही है और महिला का समाज में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। पहली बात तो महिला ही सृजन करता है, धरती पे हर किसी का जन्म महिलाओं के थ्रू ही हुआ है, और अभी तो महिला हर क्षेत्र में आगे आ रही है सृजन का काम के साथ साथ, हर क्षेत्र में, चाहे विमान उड़ाना हो या शिक्षा का क्षेत्र हो या सेना देश की सुरक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिलाएं किसी से पीछे नहीं है। वहीं एक अन्य कार्यक्रम में लोहिया नगर स्थित बाइट कंप्यूटर्स ट्रेनिंग सेंटर में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्रेम प्रकट करते हुए पत्रकार तबस्सुम और पत्रकार रिमझिम, बाइट कंप्यूटर्स की लैब इंस्ट्रक्टर किरण कुमारी और खुशी कुमारी को अंगवस्त्र एवं कलम देकर सम्मानित किया गया। संस्थान के निदेशक संजय कुमार सिंह ने कहा कि एक ओर हम मंदिर जाकर माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी जी एवं अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ घर की महिलाओं को उचित सम्मान अक्सर नहीं दे पाते। आज भी महिलाएं अपने अधिकार और संघर्ष के लिए जूझ रही हैं। 19वीं शताब्दी के शुरुआत की बात है, उन दिनों रूस में या आप कहें पूरी दुनिया में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था, मतदान देने का अधिकार नहीं था। एक जबरदस्त आंदोलन हुआ और उस आंदोलन के बाद महिलाओं को फिर वोटिंग का अधिकार मिला और वो आज का ही तिथि था और इसी दिन से महिला का ये शुरू हुआ है। दूसरी चीज़ ये हम अपने समाज से कहना चाहते हैं, लोगों से कहना चाहते हैं, जिस प्रकार आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं, दुर्गा जी की पूजा करते हैं, सरस्वती जी की पूजा करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर जब राह चलते लड़कियों को देखते हैं तो फबतियाँ कसते हैं। ऐसे लोगों को हम कहना चाहते हैं, जिस प्रकार आप दुर्गा जी को देवी मानते हैं, अपने घर के साथ साथ जितनी भी महिलाएं हैं, लड़कियाँ हैं, वो भी किसी देवी से कम नहीं है, सृष्टि की निर्मात्री है महिलाएँ। आज महिलाओं के सम्मान का दिवस है, उनकी उपलब्धियों को स्वीकारने का दिवस है। वहीं एक अन्य कार्यक्रम में विकास विद्यालय के निदेशक राजकिशोर सिंह ने महिला दिवस पर दो महिला पत्रकारों को सम्मानित करते हुए कहा कि जीवन के हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। आज विश्व महिला दिवस है, महिलाओं को सम्मान किया गया और हम सब जानते हैं महिला श्रद्धा के परम पुजारिणी होती हैं। जहाँ पर महिला को श्रद्धा की जाती है वह देश, वह समाज, वह राज अग्रसर होता है। इसलिए आज महिला दिवस के शुभ अवसर पर हमने पत्रकारों को और शिक्षकों को, साथ ही साथ शिक्षकत्वों को सम्मान किया गया है। वहीं सम्मानित किए जाने के बाद अपनी प्रसन्नता का इजहार और आभार प्रकट करते हुए महिला पत्रकारों ने बताया कि इस सम्मान ने हमें अपने कर्म क्षेत्र में कार्यरत रहने की ऊर्जा प्रदान की है।
बहुत अच्छा लग रहा है और खुशी हो रही है कि महिला को आज पत्रकारिता लाइन में यहाँ पे सम्मान मिल रहा है, क्योंकि मैं महिला को आगे आज के डेट में बहुत लोग हैं जो नहीं बढ़ा पाते हैं, लेकिन आज के डेट में सर ने इतना अच्छा से मान सागा और प्रतिभा को उजागर किया, इसलिए सर और मैम का बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुआ और सर मैम को थैंक यू कि महिला दिवस में आज आप हम पत्रकार को सम्मान दिए हैं। थैंक यू सो मच। संस्थान के निदेशक संजय कुमार सिंह ने यह भी कहा कि आज भी बेटियों के जन्म लेने पर पितृसात्मक समाज बहुत ज्यादा खुश नहीं होता है। हमें नजर नहीं नजरिया बदलने की जरूरत है। महिलाएं हमारे समाज की प्रथम पाठशाला हैं, अतः इनके सम्मान से ही राष्ट्र का विकास संभव है। बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।